Nikum grade 4, how are you all? Hope you all are fine and enjoying your vacation. I'm your math teacher. Today our topic of discussion is comparing frictions. आज बच्चों हम सीखेंगे कि frictions को compare कैसे करते हैं. We see that half of the blue circle is not the same as the half of brown circle. आपको इस डायग्राम में ये समझ आ रही होगी कि जो हाफ ऑफ द ब्लू सर्कल है ये ब्राउन सर्कल जो हाफ ऑफ ब्राउन सर्कल है ये दोनों आपस में सेम नहीं है. ऐसा है ना स्टूडेंट्स कि हाफ ऑफ द ब्लू सर्कल जो है वो हाफ ऑफ द ब्राउन सर्कल जो है इसके इक्वल नहीं है. ये दोनों आपस में सेम साइज के नहीं है. ठीक हो गया. दिस इज बिकॉज द ब्लू सर्कल इज नॉट ऑफ द सेम एज द ब्राउन सर्कल. दोनों का साइज सेम नहीं है इसलिए दोनों सेम नहीं है. ठीक है. रिमेंबर वी कैन ओनली कंपेयर फ्रिक्शन ऑफ द सेम साइज टोल. आप ये बात याद रखें स्टूडेंट्स कि हम सेम साइज की जो चीज़ें होती हैं उनको कंपेयर करते हैं. जो सेम साइज की फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कंपेयरिंग करते हैं. ठीक है. जो सेम साइज़ की चीज़ें होती हैं जो सेम साइज़ की फ्रैक्शंस होती हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है. टू कंपेयर फ्रिक्शन विद सेम न्यूमिनेटर वी फॉलो सिंपल टू स्टेप. अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं सेम न्यूमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को. टू कंपेयर फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमिनेटर वी फॉलो टू स्टेप्स. हम सिर्फ दो स्टेप्स फॉलो करेंगे अगर हमारे पास न्यूमिनेटर सेम हुआ तो. एग्जाम्पल एक देती हूँ. कंपेयर 1/5 एंड 1/6. सॉल्यूशन अभी आप इधर गौर से देखें. हेयर वी सी दैट द टू डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. हेयर डिनोमिनेटर इज 1/5 एंड हेयर डिनोमिनेटर इज 6. 1/6 6 इज डिनोमिनेटर एंड हेयर 5 इज डिनोमिनेटर. सो बोथ डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. ऐसा है ना स्टूडेंट्स. दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट हैं. दैट इज नॉट ऑफ द सेम साइज. ये बिल्कुल भी सेम साइज के नहीं है. सिंस वी कैन नॉट कंपेयर फ्रिक्शन ऑफ डिफरेंट साइज डायरेक्टली. सो हम डिफरेंट साइज की जो फ्रिक्शंस होती हैं उनको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. सो वी फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम. तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं. ठीक है. स्टेप वन में आपको इसका बताती हूँ कि स्टेप वन में हमने क्या करना है. फाइंड इक्वलिंग फ्रिक्शन ऑफ 1/5 एंड 1/6 टू मेक द लाइक फ्रिक्शंस. अच्छा जी, हम पीछे लाइक फ्रिक्शंस का पढ़ चुके हैं. लाइक फ्रिक्शंस आर दोज फ्रिक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर. अब इधर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम सेम करेंगे. 1/5 इज इक्वल टू 2/10. मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 1s are 2 एंड 5 2s are 10. अच्छा फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1s are 3, 3 5s are 15. फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4, 4 5s are 20. फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1s are 5, 5 5s are 25. फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 1s are 6 एंड 6 5s are 30. क्योंकि 6 के टेबल में भी 30 आता है ना, तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं. हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए. आप यहाँ देखिए, ये 6/30 आ गया डिनोमिनेटर. ठीक हो गया. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये 1/6 है, इसका डिनोमिनेटर भी सेम करना है. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, 6 2s are 12. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 6s are 18. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are 4, 4 4 6s are 24. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5, 5 6s are 30. हेयर डिनोमिनेटर विल बी सेम. इधर 5/30 है और इधर हमारे पास आ गया था 6/30. इधर डिनोमिनेटर 30 आ गया और इधर भी डिनोमिनेटर 30 आ गया. स्टेप टू हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन ईजिली कंपेयर. अब हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं. 5/30 इज ग्रेटर दैन 6/30, यानी कि 5/30 जो है वो हमारे पास बड़ा है 6/30 से. देयरफॉर 1/5 इज ग्रेटर दैन 1/6. ठीक हो गया. हम कहेंगे 1/5 जो 1/6 से बड़ा है. एंड वी कंक्लूड दैट टू कंपेयर अनलाइक फ्रिक्शन विद स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस. हम इधर कंपेयर करेंगे, हम ये कंक्लूड करते हैं. ठीक है.
कि अनलाइक फ्रिक्शंस विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शंस जो होती है ना, वी कंक्लूड दैट टू कंपेयर अनलाइक फ्रिक्शन विद स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शंस। हम अनलाइक फ्रिक्शंस को स्मॉलर वैल्यू होगी फ्रिक्शंस की तो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। पर डिनोमिनेटर हमने सेम करना होगा, चाहे अनलाइक फ्रिक्शंस होंगी ना तो हमने डिनोमिनेटर उनको लाइक फ्रिक्शंस बना के फिर हम कंपेयरिंग करेंगे। वैसे अगर अनलाइक फ्रिक्शन होगी उनका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा तो उनको कंपेयर करना मुश्किल होगा, इसलिए हम उनको लाइक फ्रिक्शन बनाएंगे एंड देन हम कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ एक और, देखिए कितने ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स हैं, 3 हैं, 3x10। इधर हमारे पास 10 ब्लॉक्स हैं, 8 ब्लॉक्स हैं और 3x8। आपको पता है 3x10 इज़ लेस देन 3x8, 7x10 इज़ लेस देन 7x8। जितना आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना उतना वो नंबर स्मॉलर होगा, ठीक है। जितना हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतना नंबर हमारे पास स्मॉलर होता जाएगा। 4x12 ग्रेटर देन 4x15। देखो डिनोमिनेटर यहाँ छोटा था ना, ये छोटा डिनोमिनेटर होगा तो हम वो जो टर्म होगी वो हमारे पास बड़ी होगी। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी हमारे पास टर्म स्मॉलर होगी, ठीक हो गया। टू कंपेयरिंग द फ्रिक्शन विद सेम डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, द ग्रेटर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर ऑफ द फ्रिक्शन। अच्छा डिनोमिनेटर जब आपके पास सेम नहीं होगा तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना वो छोटा होगा, साइज में छोटा होगा, ठीक है। जितना डिफरेंट अनलाइक फ्रिक्शंस की बात कर रही हूँ, अनलाइक में अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, वो लेस देन होगी। जैसे 4x12 इज़ ग्रेटर देन 4x15, ठीक है, 3x15, 4x12 इज़ ग्रेटर देन 4x15। देखो ना यहाँ डिनोमिनेटर मेरे पास छोटा था ना तो ये बड़ी टर्म होगी, ठीक है। 4x12 इज़ ग्रेटर देन 4x15। अनलाइक फ्रिक्शंस में जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना वो टर्म छोटी होगी, ठीक है। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी टर्म हमारे पास छोटी होगी, जबकि लाइक फ्रिक्शंस में हम न्यूमिनेटर को हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। अनलाइक में डिनोमिनेटर कंपेयर होंगे और लाइक्स में न्यूमिनेटर कंपेयर होंगे। 3x8 इज़ ग्रेटर देन 2x8, 5x16 इज़ लेस देन 7x16, 4x9 इज़ ग्रेटर देन 1x9। अब कह रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, कंपेयरिंग फ्रिक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। लुक एट दिस पार्ट ऑफ अनलाइक फ्रिक्शन 3x4 एंड 5x8, द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड सो आर देयर न्यूमिनेटर्स। इनके डिनोमिनेटर भी इस फ्रिक्शन इनके डिफरेंट है और न्यूमिनेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी हमारे पास डिफरेंट है। लेट अस लुक मोर क्लोजली एट द टू डिनोमिनेटर्स। दोनों की डिनोमिनेटर्स के एक का 4 है एक का 8 है। वी नो दैट द एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज 8। आपको पता है 4 एंड 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। सो लेट अस चेंज 3x4 इंटू इक्वलेंट फ्रिक्शन विद डिनोमिनेटर 8। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वलेंट फ्रिक्शन बनाएंगे। इक्वलेंट फ्रिक्शन मीन्स कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। जब सेम करेंगे और उनको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो वही टर्म बन जाएगी, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देख के आपको मज़ीद समझाती हूँ। देखो यहाँ है 3x4 है, ठीक है, यहाँ 6x8 है। वी कैन इजीली कंपेयर आवर टू फ्रिक्शंस 3x4 और 6x8 इज़ ग्रेटर देन 5x8, ठीक है। अब देखो वो 3x4 था ना, हमने उसका एलसीएम क्या ले लिया, 8 ले लिया। 3x4 था ना तो इसको मैंने 6x8 कर दिया। अब देखो उसको कैंसिल करो तो क्या आएगा, 2×3 = 6, 2×4 = 8। इक्वलेंट फ्रिक्शन है, दोबारा ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो 3x4 और 6x8 कैन इज ग्रेटर देन 5x8, ठीक है। अब 5x8 तो मेरे पास, देखो ये तो डिनोमिनेटर मेरे पास 8 ऑलरेडी मौजूद है ना, 5x8, तो इसके डिनोमिनेटर को मैं 8 बना रही हूँ। मैंने इसको क्या किया, इसको 2 से न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 को, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 को 2 से, 2×3 = 6 एंड 2×4 = 8। 6x8 हो गया ग्रेटर देन आपके पास 5x8, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयरिंग करते हैं। Here 8 is common denominator of the two fractions
When we want to find common denominator of our like fractions, we simply think of LCM of the denominator we want to change. अच्छा, जब हमारे पास unlike fractions बच्चों आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उनका denominator को same करते हैं LCM लेके. ठीक हो गया. अच्छा, example देके एक और समझाती हूँ. 3/4 एंड 2/3 हमारे पास है. आप इसका LCM लेंगे, आपको पता है LCM ऑफ 4 और 3 का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. ठीक है, 4 3 12, 3 4 12. ठीक हो गया. आप क्या होगा, कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास 12 हो गया. स्टेप टू हम करेंगे, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 12. इनके डिनोमिनेटर 12 करेंगे. कैसे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/12. 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12. डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लेंगे. अब यहाँ देखो, डिनोमिनेटर सेम्स हैं और हम क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे. 9/12 एंड 8/12 आर लाइक फ्रिक्शन एंड आल्सो इक्वल एंड फ्रिक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर. वी कैन नाउ कंपेयर आवर लाइक फ्रिक्शन. 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12. इनको कैंसिल आउट करो, 3 9, 3 4 12, 3/4, 2 4 8, 2 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6. तो देखो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाएगी, और डिवाइड करें तो ये टर्म आ जाएगी, कैंसिल आउट करें तो. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. तो 9/12 भी ग्रेटर देन 8/12 है, और 3/4 भी ग्रेटर देन 2/3 है. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे. जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे. गॉट इट. नाउ अब मूव करते हैं ऑर्डरिंग ऑफ द फ्रिक्शंस, कि हम ऑर्डर्स फ्रिक्शंस के कैसे लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखते हैं. अरेंजिंग फ्रिक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे. टू अरेंज फ्रिक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वी फाइंड इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ऑफ द ऑल गिवन फ्रिक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर. अच्छा, जब भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में फ्रिक्शंस को करना होगा, तो हम उनके पहले इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन बनाएंगे, और देन हम उनके ऑर्डर को कंपेयर करेंगे. ठीक है, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तब करेंगे फ्रिक्शंस को, कि हम पहले क्या करेंगे, हम उनको इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बनाएंगे. इक्विवेलेंट फ्रिक्शन कैसे बनाएंगे, कि हम उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे. कॉमन जब डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे, तब हम उनके ऑर्डर को कंपेयर करेंगे, यानी कि तब हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. जब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, फिर हम उन फ्रिक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. एग्जांपल है, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. 3/5, 7/10 एंड 9/20, ये मुझे गिवन मिल गए हैं. ठीक है, ये मुझे एग्जांपल मिल गई है. आप पहले क्या करना है, हमने फ्रिक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने हैं. देखो, 20 तो बड़ी टर्म है, 10 को 20 बना सकते हैं. जी बिल्कुल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. 7 2 14, 10 2 20, 5 4 20, 3 4 12, 12 20 एंड 14 20 एंड 9/20. डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, फिर अब इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. अच्छा जी, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 20 इज 20. कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया, 20 आ गया. आप क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड फ्रिक्शंस द गिवन फ्रिक्शन टू चेंज देम अनलाइक फ्रिक्शंस. हम इनको लाइक फ्रिक्शंस में करेंगे. कैसे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया. 5 को 4 से किया तो 20 आया. हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें, वो लाइक फ्रिक्शन बन जाए, और फिर हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें. ठीक है, 7 को 2 से किया 14, 10 को 2 से 20, 9/20 विल बी रिमेन सेम. द इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस आर 12/20, 14/20 एंड 9/20. Now we compare our like frictions. We arrange them in ascending order, that is from the lowest to highest. आपको पता है, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में भी, कि हम मूव अपस्टेयर करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम ऊपर की तरफ स्टेयर्स को चढ़ते हैं. इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. डिसेंडिंग वो होता है जो हम मूविंग डाउन स्टेयर होते हैं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं इनको कंपेयर कर सकती, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकती हूँ. सबसे पहले छोटी टर्म लिखेंगे, 9/20, देन 12/20 एंड देन 14/20. और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो 9/20, 14/20 एंड 12/20. ठीक हो क्या. देखो, अब मैं कह रही हूँ 9/20, 3/5, 7/10, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रिक्शन विल बी 7/10, 3/5 एंड 9/20.
ऑर्डर इज डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया ना हाईएस्ट से लोएस्ट टर्म की तरफ जाते हैं 14/20, 12/20 या 9/20, ठीक है। हमने कंपैरिजन करना सीख लिया स्टूडेंट। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 59 पे आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।